हेलो अगेन एंड वेलकम बैक टू द लेक्चर। तो इन कंटिन्यूएशन टू द लास्ट लेक्चर स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर में हमने गेट 2020 के दो क्वेश्चन करे थे। इसमें भी हम गेट 2020 का एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन हमारा जो गेट 2020 में आया था ओपन चैनल फ्लो से, उसे कवर करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन, हाइड्रोलिक जंप अकर्स इन अ ट्रेंगुलर चैनल विद अ साइड स्लोप ऑफ 1:1। द सीक्वेंट डेप्थ्स आर 0.5 मीटर एंड 1.5 मीटर। तो वी हैव टू कैलकुलेट द फ्लो रेट। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा हमारे पास। तो गिवन डेटा जो हमारे पास है वो क्या है, सीक्वेंट डेप्थ हमारे पास गिवन है y1 एंड y2। तो सीक्वेंट डेप्थ हमें पता है कि सीक्वेंट डेप्थ क्या होती है, जो हाइड्रोलिक जंप के दो साइड्स पे प्री या पोस्ट जंप, या फिर जहां पे दो सेक्शन जहां पे स्पेसिफिक फोर्स बराबर होती है, दोज टू जंप्स आर नोन एज सीक्वेंट डेप्थ्स। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि सबसे बड़ी गलती या जो मोस्ट कॉमन एरर जो हो सकता है वो ये होता है जनरली कि जैसे ही हम देखते हैं कि सीक्वेंट डेप्थ गिवन है और हमें क्या निकालना है, फ्लो रेट निकालना है, तो हम जनरली क्या टेंड कोशिश करते हैं, जो हमारा इनिशियल इंक्लिनेशन होता है, हम ये कोशिश करते हैं कि हम सीधा ही इस फॉर्मूले का यूज करने लगाते हैं। दैट इज 2q² / g इज इक्वल टू y1 × y2 y1 + y2। देखो ये क्वेश्चन हम स्ट्रिक्टली इसमें यूज नहीं करेंगे। इसका कारण क्या है, दिस फॉर्मूला इज ड्राइव्ड ओनली फॉर रेक्टेंगुलर चैनल। ये हमें ध्यान रखना होता है। जनरली हम जब डेरिवेशन करते हैं तो हम ध्यान नहीं देते हैं, या जब हम फॉर्मूला याद कर रहे होते हैं तो हम इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं कि फॉर्मूला किसके लिए ड्राइव हुआ था। तो दिस क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला हमारे पास है, ये स्ट्रिक्टली क्या है, केवल रेक्टेंगुलर चैनल के लिए अप्लीकेबल होता है। तो इसको हम ध्यान रखेंगे, इसको हम यूज नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन में। तो इसके लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा बेसिक पे जाना पड़ेगा दोबारा से, जो कि हमारा स्पेसिफिक फोर्स का या फिर सीक्वेंट डेप्थ का बेसिक्स होता है। जैसे मैंने अभी बोला, सीक्वेंट डेप्थ हमारे पास वो डेप्थ होती है जहाँ पे स्पेसिफिक फोर्स बराबर होती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक फोर्स अब हम कैसे लिखते हैं। तो इस केस में जो हम स्पेसिफिक फोर्स लिखते हैं ओपन चैनल फ्लो के केस में, तो स्पेसिफिक फोर्स का फॉर्म होता है P/m/u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो किसी भी दो सेक्शन पे हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक फोर्स को कॉन्स्टेंट कर देंगे। तो ये जो पार्ट मैंने लिखा है, दिस इज योर स्पेसिफिक फोर्स। इसमें देख लेते हैं पी क्या होता है। पी हमारे पास होता है हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। पी इज हाइड्रोस्टेटिक फोर्स एंड एम इज मोमेंटम जो उस कंट्रोल वॉल्यूम से बाहर निकल रहा होगा। दैट ठीक है, जो उस कंट्रोल वॉल्यूम से बाहर निकल रहा होगा, उस मोमेंटम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और अगर एक्सपेंड करेंगे, जैसे हम अगर पी लिखना चाहते हैं किसी भी सेक्शन पे, अगर हम पी की बात करते हैं, तो मैं क्या है, थोड़ा पहले से प्रीवियस या बेसिक बता रहा हूँ। तो अगर हम पी लिखना चाहते हैं इसमें, तो पी हम किसी भी सेक्शन पे कैसे लिख सकते हैं, दैट इज हाइड्रोस्टेटिक फोर्स किसी सेक्शन पे अगर हमें निकालनी होती है, तो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स क्या होती है, प्रेशर एट सी जी ऑफ द प्लेट या सी जी ऑफ द सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द प्लेट, मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द प्लेट होता है हमारे पास। सिमिलरली अगर मुझे क्या है, मोमेंटम की अगर बात करनी है, मोमेंटम कैसे लिख सकता हूँ, मोमेंटम विल बी rho × q × v वेलोसिटी। थोड़ा सा अब पी को दोबारा से हम चेंज करेंगे, तो हम पी क्या लिख सकते हैं, हमारे पास सी जी पे अगर किसी भी सी जी पे प्रेशर निकालना हो तो कैसे होगा, सी जी की डेप्थ हमें पता होगी वाई बार है। तो अगर हमें प्रेशर निकालना है तो हमारे पास क्या होता है, बाय पास्कल रो रो जी एच होता है। तो सिमिलरली हमने क्या लिखा है, γ W × y बार, दिस इज प्रेशर एट दी सी जी मल्टीप्लाइड बाय दी एरिया ऑफ दी प्लेट या एरिया ऑफ दी क्रॉस सेक्शन जो हमारे पास होगा। इसको भी अगर हम थोड़ा सा इलेबरेट कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं, तो rho × q × q/a। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, rho × q² / a। तो इसमें अगर हम स्पेसिफिक फोर्स में इसको पुट करेंगे, हमारे पास अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक फोर्स की, यहाँ पे जैसे अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ, तो स्पेसिफिक फोर्स देखो दोनों ही टर्म को पुट करोगे तो γ W × y बार मल्टीप्लाइड बाई एरिया प्लस rho × q² / a होल डिवाइड बाई γ W। तो इसको अगर हम थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे तो a × y बार + q² / g a निकल के आएगा हमारे पास। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्पेसिफिक फोर्स। तो हो सकता है किसी को यहीं से डायरेक्टली पता हो, ये फॉर्मूला याद हो, तो वेल एंड गुड, वो यहाँ से डायरेक्टली यूज कर सकता है। अदरवाइज ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि स्पेसिफिक फोर्स हमारे पास होता क्या है। तो देखो यहाँ से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें दोनों ही सेक्शन पे क्या पता है, अगर हम सेक्शन 1 की बात करते हैं, यहाँ पे देखो दो सेक्शन मान के चलते हैं, जो हमें पोस्ट एंड प्री जंप
डेप्थ जो दे रखी है, तो दो सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ फर्स्ट सेक्शन की बात करता हूँ, तो फर्स्ट सेक्शन उसने क्या कर रखा है, ट्रायंगुलर इन शेप है। तो ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगुलर शेप का सेक्शन है, जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो 0.5 मीटर है, ठीक है। जो इस केस में जो रेशियो दे रखा है हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल का कितना दिया है, 1:1 का दिया है। इसका मतलब अगर मुझे टॉप विड्थ निकालनी होगी तो टॉप विड्थ मेरे पास कितनी हो जाएगी, 1 मीटर टॉप विड्थ हो जाएगी, ठीक है। होपफुली ये सबको आता होगा। आधा सेक्शन यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो ये वाला पोर्शन कितना आएगा, 0.5 आएगा, ये वाला पोर्शन भी 0.5 आएगा, तो दोनों का समीशन मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, ठीक है। अब इसका यहाँ से क्या करते हैं, हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज A1 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो A1 क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 0.25 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमें क्या, अब क्या निकालना है, Y1 बार निकालना है, दैट इज डेप्थ ऑफ दी CG एट दी फर्स्ट सेक्शन, पहले सेक्शन पे कितनी डेप्थ होगी CG की। देखो अगर मुझे इस सेक्शन की डेप्थ, दैट इज CG की अगर मुझे डेप्थ कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इस सेक्शन की, तो यहाँ से अगर मुझे डेप्थ कैलकुलेट करनी है तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, 1/3 ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो, दैट इज 0.5, तो कितने निकल के आएगी, 0.167 मीटर। सिमिलरली यही कैलकुलेशन में क्या है सेक्शन टू के लिए, सेकंड सेक्शन के लिए भी कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे मैं सेकंड सेक्शन को ड्रॉ करता हूँ तो रेस्ट तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो सेम दिया हुआ है, ट्राइंगल दे रखा है एक, जिसका हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल का रेशियो 1:1 है। डेप्थ ऑफ फ्लो इस सेक्शन में कितनी गिवन है, 1.5 मीटर है, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ फ्लो अगर 1.5 मीटर दे रखी है तो जो टॉप विड्थ होगी वो कितनी हो जाएगी, टॉप विड्थ हमारे पास हो जाएगी 3 मीटर की हो जाएगी, 1:1 से हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, एरिया एट सेकंड सेक्शन निकाल लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर हाफ इंटू हाइट इंटू बेस लिखा मैंने, 2.25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और जो हमारे पास सिमिलरली मैं Y2 बार निकालने की कोशिश करता हूँ, तो Y2 बार अगर मैं इस सेक्शन में देखूंगा तो Y2 बार क्या होगा, कुछ इस सेक्शन का CG यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। ट्रायंगल का अगर मुझे CG ड्रॉ करना है तो मुझे पता होता है कि ब्रॉडर साइड से ट्रायंगल का जो CG होता है वो कितना होता है, 1/3 ऑफ दी हाइट होता है। तो 1/3 ऑफ दी हाइट अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा, 0.5 मीटर आ जाएगा। देखो अगर जब एक बार मुझे दोनों सेक्शन की बाकी सारी कंडीशन पता पड़ गई है, तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले में स्पेसिफिक फोर्स को बराबर कर दूंगा। तो स्पेसिफिक फोर्स को अगर मैं बराबर करता हूँ, इस केस में अगर मैं यहाँ से स्पेसिफिक फोर्स को बराबर करता हूँ, देखो स्पेसिफिक फोर्स मेरे को क्या लिखा हुआ है, दैट इज A1 Y1 बार प्लस क्यू स्क्वायर, डिस्चार्ज एट बोथ दी सेक्शन विल बी सेम, तो G into A1 इज इक्वल टू A2 Y2 बार प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय G into A2। ये हमें क्या हो गया, ये फॉर्मूला पता पड़ गया। इस कंडीशन में इस जो फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ से जो हमें ये फॉर्मूला दिख रहा है, इसमें अगर मैं देखता हूँ कि मुझे सारी वेरिएबल सब पता है, A1 मुझे पता है, A1 अभी कैलकुलेट करा, सिमिलरली Y1 भी मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। Q वी हैव टू फाइंड, यही पूछा हुआ था, फ्लो रेट पूछा हुआ है, तो Q हमें फाइंड करना है। A1 मुझे पता है, सिमिलरली A2 और Y2 भी मुझे पता है। यहाँ से मैं इस इक्वेशन में सारे वेरिएबल पुट करूंगा तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्चार्ज डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ, दैट इज 1.73 मीटर क्यूब पर सेकंड मेरे पास डिस्चार्ज आएगा। तो ये क्या था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, इसमें वैल्यूज नहीं गिवन थी हमें, या ऑप्शंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं था, तो हमें क्या वैल्यूज गिवन नहीं थी, हमें क्या करना था, आंसर पुट करना था। यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा, आंसर पुट कर दूंगा, 2 डेसिमल तक निकालना था, तभी मैंने 1.73 निकाला। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये चीज ध्यान रखनी है कि दिस फॉर्मूला इज ड्राइव्ड फॉर दी रेक्टेंगुलर चैनल, तो इस फॉर्मूले का हम क्या है, यूज नहीं करेंगे। तो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ क्या होता है, गेट 2020 दोनों सेट में जो क्वेश्चन आए थे वो हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं गेट 2019 में हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन जो गेट 2019 में आया था। गेट 2019 में हमारे पास एक ही क्वेश्चन आया, तो उसको देख लेते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन में। एट द फुट ऑफ द स्पिलवे वाटर फ्लोज एट अ डेप्थ ऑफ 23 सेंटीमीटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 8.1 मीटर पर सेकंड। ये डायग्राम उसके साथ में गिवन था क्वेश्चन में। तो फ्लो एंटर्स एज एन M3 प्रोफाइल, तो हमें पता होना चाहिए कि M3 प्रोफाइल क्या होती है, इन अ लॉन्ग वाइड रेक्टेंगुलर चैनल। इस लाइन को या इस टर्म को मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, अभी बताता हूँ क्यों करा। चैनल विद अ बेड स्लोप ऑफ 1:1 इज 1800 एंड मेनिन्स कोफिशिएंट
is given 0.015. A hydraulic jump is formed at a certain distance from the foot of the spillway. Assume the acceleration due to gravity, this, and just before the hydraulic jump, the depth of flow is y1. So we have to calculate the pre-jump depth. हमें क्या calculate करना है यहाँ पे? Pre-jump depth calculate करनी है हमें. तो प्री एंड पोस्ट जंप अभी देखा हमने, दो तरीके की जंप होती है. तो इसमें रेक्टेंगुलर चैनल केवल है. तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा अलग डिफरेंट क्वेश्चन है जो अभी तक गेट में पूछा गया था. तो इसको एक बार देख लेते हैं. क्या है, एक स्पिलवे यहाँ पे, स्पिलवे बना हुआ है यहाँ पे. तो स्पिलवे जहाँ पे एंड हो रहा है, उन्होंने कहा है कि स्पिलवे जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो 23 सेंटीमीटर की है. M3 प्रोफाइल है और इसी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 8.1 मीटर पर सेकंड की है. तो वो कह रहे हैं कि कुछ डिस्टेंस पे जाके हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होती है. तो अगर किसी को प्रोफाइल, जिन लोगों ने यहाँ प्रोफाइल, जिन लोगों को पता होगी वो किस तरह से बनेगी, अगर मैं माइल्स प्रोफाइल की बात करता हूँ यहाँ पे, तो अगर दिस इज अवर क्रिटिकल डेप्थ लाइन एंड दिस इज अवर नॉर्मल डेप्थ लाइन, तो मुझे ये पता है कि M3 प्रोफाइल यहाँ कहीं लाई करती है, दैट इज थर्ड सेक्शन में लाई करती है. तो आगे जाके जब M3 प्रोफाइल, हमें पता है कि जब भी हमारा फ्लो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो होता है तो हमेशा ही जो डेप्थ होती है वो कहाँ मीट करने की कोशिश करती है, वो हमेशा नॉर्मल डेप्थ की तरफ जाने की कोशिश करती है. तो वो हमेशा किधर जाने की कोशिश करेगी, नॉर्मल डेप्थ की तरफ जाने की कोशिश करेगी. तो अगर वो नॉर्मल डेप्थ की तरफ जाने की कोशिश करेगी तो उसे CDL क्रॉस करना होगा. तो दैट इज फ्लो विल बी गोइंग फ्रॉम दी सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल रीजन. फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा होगा, सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल जा रहा होगा. तो सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल जब भी जाएगा तो हमारे पास क्या फॉर्म होती है, हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होती है. तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है, जो कुछ दूर जाके जब हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होगी तो उसके पहले सेक्शन पे हमें क्या बतानी है, डेप्थ ऑफ फ्लो बतानी है, दैट इज प्री जंप डेप्थ हमें कैलकुलेट करनी है. तो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत सारे फॉर्मूले यूज हो सकते हैं इस क्वेश्चन में, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं. एक तरीका हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि एक तरीका हमारे पास क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में. फर्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या डेटा गिवन है. जैसे हमें क्या स्लोप गिवन है, 1:1800 का स्लोप गिवन है. मेनिंस कोफिशियंट हमें गिवन है 0.015 का हमें मेनिंस कोफिशियंट गिवन है. साथ में हमें किसी एक सेक्शन पे क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है और वहीं पे डेप्थ गिवन है 0.23 मीटर की डेप्थ गिवन है. और जो वेलोसिटी गिवन है हमें वो देख लेते हैं, वेलोसिटी कितनी गिवन है, वो 8.1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इज 8.1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हमें गिवन है. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि फ्लो रेट पर यूनिट विड्थ कितना होगा, दैट इज स्मॉल क्यू. स्मॉल क्यू क्या होता है हमारे पास, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ. यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब पर सेकंड, पर मीटर की हम बात कर रहे हैं. तो हम कैसे निकाल सकते हैं फ्लो रेट, अगर हमें निकालना हो तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बी से डिवाइड करने की जगह हम क्या लिखते हैं, वी इंटू वाई लिख लेते हैं. ये सेम यूनिट क्या बनेगी, जो हमारे पास फ्लो रेट पर यूनिट विड्थ की बनती है. तो डिस्चार्ज हमें, सॉरी वेलोसिटी हमें पता है, डेप्थ ऑफ फ्लो उस सेक्शन पे पता है. तो हमारे पास जो स्मॉल क्यू की वैल्यू निकल के आएगी वो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ रही है, 1.863 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर निकल के आ रही है. तो ये हमने क्यों निकाला यहाँ पे, अभी थोड़ी देर में पता पड़ जाएगा. अब हम क्या करते हैं, यूजिंग मेनिंस इक्वेशन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेनिंस इक्वेशन का यूज करते हैं. तो मेनिंस इक्वेशन फॉर वेलोसिटी हमें कितने बताया, 1/n इंटू आर की पावर 2/3 इंटू एस की पावर 1/2. अभी मैंने क्या किया था, एक लाइन अंडरलाइन करवाई थी पहले ही. क्या कहा था मैंने कि वाइड रेक्टेंगुलर चैनल की लाइन अंडरलाइन कर लेते हैं. तो हमें ये पता होता है कि वाइड रेक्टेंगुलर चैनल से आर इज इक्वल टू वाई होता है हमारे पास, जो हाइड्रोलिक रेडियस होती है इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ फ्लो. तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं आर की वैल्यू, आर की जगह हम क्या पुट करेंगे, वी इज इक्वल टू 1/n इंटू वाई रेस टू पावर 2/3 इंटू एस रेस टू पावर 1/2. अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है, देखो वी हमें पहले देख लेते हैं, वी हमें प्रोवाइडेड है, एन की वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है, y देखो हमें पता है, y अभी पता है हमें, या सॉरी y हम क्या करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. जो हम जब हम मेनिंस इक्वेशन बात करते हैं फॉर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, तो वहां पे जो डेप्थ ऑफ फ्लो होती है वो कितनी होती है, नॉर्मल डेप्थ की बात करते हैं हम. किसकी बात करते हैं, नॉर्मल डेप्थ की बात करते हैं. तो एक प्रकार से हमें क्या करना है, yn को कैलकुलेट करना है यहाँ पे. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, स्लोप भी गिवन है, पर प्रॉब्लम क्या है, जो उसने स्लोप लिखा हुआ है वो बेड स्लोप लिखा हुआ है. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या प्रोवाइडेड है, बेड स्लोप प्रोवाइडेड है. ठीक है, तो फॉर टाइम बीइंग हम क्या करेंगे, बेड स्लोप ही प्रोवाइड करते हैं. ऑल्दो जीवीएफ की जब हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, एनर्जी लाइन का स्लोप पुट करते हैं, पर यहाँ पे बेड स्लोप ही प्रोवाइडेड है तो हम क्या करेंगे, केवल बेड स्लोप को ही पुट कर देंगे. तो वी हमें गिवन है, ये सब अगर हमें गिवन है, यहाँ से अगर हम वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे तो हमें डेप्थ ऑफ, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो हमें पता पड़ जाएगी. नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो जो हमारे पास निकल के आ रही है वो हमारे पास 1.0
11 मीटर निकल के आ रही है, ठीक है, कैलकुलेटर में पुट करके देख लेना कितनी आ रही है, 1.11 मीटर निकल के आ रही है। देखो अब हमें ये नहीं पता कि ये डेप्थ ऑफ फ्लो, जैसे अभी माइल्ड स्लोप का मैंने थोड़ी देर पहले डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाया कि ये हमारे पास अगर माइल्ड स्लोप है, ये हमारे पास अगर माइल्ड स्लोप है, तो यहाँ पे अगर हम डेप्थ ऑफ फ्लो की बात करते हैं तो हम साथ में अभी क्या निकाल लेते हैं, क्रिटिकल डेप्थ निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्रिटिकल डेप्थ की कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्रिटिकल डेप्थ की अगर मैं बात करता हूँ तो क्रिटिकल, दिस इज अवर क्रिटिकल डेप्थ। क्रिटिकल डेप्थ हमारे पास रेक्टेंगुलर चैनल में कितनी होती है, yc इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर जी अपॉन होल रेस टू पावर 1/3। कितना होता है, yc इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन जी होल रेस टू पावर 1/3। देखो क्यू स्क्वायर अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, क्यू स्क्वायर हमें पता है, जी हमें पता ही होता है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, yc की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि कितना रहा है, 0.707 मीटर। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन में, जो yn है वो किससे ज्यादा है, yc से ज्यादा है। इसका मतलब इस जंप, इस डेप्थ को मैं क्या कह सकता हूँ, पोस्ट जंप डेप्थ कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ, पोस्ट जंप डेप्थ कह सकता हूँ, ठीक है। और वैसे भी हमें पता था, अगर माइल्ड स्लोप प्रोफाइल की बात कर रहे हैं हम, अगर माइल्ड स्लोप की अगर हम बात करते हैं तो जो नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो आएगी वो क्या आएगी, ग्रेटर देन yc आएगी। तो दिस जंप कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज y2। अब इसके बाद देखो हाइड्रोलिक जंप के केस में हमारे पास क्या होता है, y2 by y1 का रेशियो हमें पता होता है। तो y2 by y1 अगर मुझे लिखना है तो, या हम क्या करते हैं यहाँ पे y2 by y1 ना लिख के हम क्या लिखते हैं, y1 by y2 लिख लेते हैं। ये फॉर्मूले में थोड़ा सा ही चेंज आता है, क्या चेंज आता है, -1 + 1 + 8। यहाँ पे क्या आता है, फ्राउड नंबर एट सेक्शन 2 आता है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, याद करने की ट्रिक ये है केवल कि ये जो यहाँ पे अगर डिवाइड में सेकेंड डेप्थ है, पोस्ट जंप डेप्थ है, तो फ्राउड नंबर भी क्या आता है, पोस्ट सेक्शन का ही आता है, दैट इज आफ्टर दी जंप का ही आता है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या क्या चीजें पता है, यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें पोस्ट जंप डेप्थ पता है, हमें y2 अभी कैलकुलेट करा हमने, हमें केवल क्या कैलकुलेट करना है, fr2 कैलकुलेट करना है। देखो वो सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा हमारे पास, अगर हम यहाँ पे देखते हैं fr2 कैसे कैलकुलेट होगा। fr2 अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो fr2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, v2 डिवाइड बाय अंडर रूट जी y2। देखो y2 हमें गिवन है, v2 को हम इन टर्म्स ऑफ क्यू लिख लेते हैं, दैट इज क्यू डिवाइड बाय अंडर रूट जी y2 मल्टीप्लाइड बाय y2। ये किसके बराबर होगा, फ्राउड नंबर एट सेकंड सेक्शन के बराबर। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, फ्राउड नंबर एट सेकंड सेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, जो कि आ रही है 0.508। तो दिस इज फ्राउड नंबर एट सेकंड सेक्शन। अब इस फ्राउड नंबर को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो केवल मेरे पास एक वेरिएबल रह गया है, वो क्या रह गया, y1 रह गया। वो कितना रह गया, y1 रह गया। तो y1 अगर इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो y1 विल बी इक्वल टू 0.417। ये 0.417 मीटर मेरे पास y1 की वैल्यू आ रही है, जो कि किससे कम है, yc से कम है। तो इसका मतलब ये कौन सी डेप्थ हो गई, ये दिस इज योर अवर प्री जंप डेप्थ। ये क्या हो गई, प्री जंप डेप्थ होगी। यही देखो क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि इनिशियली कितनी जंप होगी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास क्या होता है, 2019 में एक ही क्वेश्चन आया था हमारे पास इवनिंग सेट में, तो 2019 के भी हमने क्वेश्चन कवर कर लिए। तो हम इसी तरह आगे बाकी जो ईयर्स के क्वेश्चन है 2018, 17 और बाकी ईयर्स के क्वेश्चन हम कवर करते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।